गरीब समाज स्वराज पार्टी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रसेन भारती के नेतृत्व में जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए और डीएम को ज्ञापन पेश किया, जिसमें कहा गया कि उनकी पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार गरीब छात्र संविदा कर्मचारी मजदूर और गरीब दुकानदार मान्यता प्राप्त बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक आदि लोग किसी न किसी प्रकार के शोषण और समस्याओं को आवश्यक प्रावधानों की कमी के कारण परेशान है। मांग उठाई गई कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कथावार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान लागू किया जाए और रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। सभी विद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मूल वेतनमान के बराबर मानदेय राशि देने की व्यवस्था लागू की जाए। मजदूर और गरीब दुकानदारों को भी किसान निधि की तरह मजदूर निधि देने की व्यवस्था लागू की जाए एवं सभी वर्गों के गरीब छात्रों को जीरो बैलेंस पर प्रवेश की सुविधा लागू की जाए। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रसेन भारती ने बताया, हमारा प्रदर्शन जो आज़ादी के बाद से सरकार ने अभी तक कक्षावार शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं बनाया है। देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी सरकार कोई कक्षावार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। इस वजह से जो इन सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनका शोषण हो रहा है, उनको कक्षावार पढ़ाई भी नहीं मिल रही है। और दूसरी मांग है कि सरकार किसानों को जो किसान निधि दे रही है लेकिन उनसे गरीब जो मजदूर हैं उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि मजदूरों को भी किसान निधि की तरह मजदूर निधि देने की व्यवस्था करें। इस दौरान ओम प्रकाश, सुरेश सिंह, जसपाल सिंह, महेंद्र सैनी और गौरव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।